हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टुडे इट इज़ आवर 56th लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल रिज्यूम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एन एफ फ्रैंक के बारे में कि वो कैसे कहाँ पैदा हुई थी और क्या प्रॉब्लम हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के ज़माने में उसके साथ। अब हम लोग देखेंगे कि वो डायरी लिखी तो क्यों लिखी, डायरी ही क्यों लिखी, क्या कारण था उसका। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कहती हैं एन एफ फ्रैंक। कहती है कि डायरी में लिखना वास्तव में एक विचित्र एक्सपीरियंस था मेरे जैसे एक आदमी के लिए, लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई एम नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। इसलिए नहीं कि पहले मैंने नहीं लिखा था कुछ भी, बल्कि इसलिए कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी इंटरेस्टेड होगा ही नहीं एक 13 साल की लड़की के लिखे हुए किसी बात पर, जो भी वो भी एक स्कूल गर्ल हो उसके बात पर कुछ इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रही, थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, थोड़ा विचित्र लग रहा था। ओह वेल इट डजेंट मैटर, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई मायने नहीं रखता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट All kinds of things off my chest। और मुझे ज़रूरत थी and I have an even great need, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं अपने दिल की सारी बातों को निकाल के कागज़ पर रख दूँ, कहीं पर बता दूँ, कहीं पर शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं डायरी लिखना चाह रही थी। ये एन एफ फ्रैंक का कहना था। पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल, ये बात एन एफ फ्रैंक की बहुत ही फेमस लाइन है कि पेपर को ज़्यादा सब्र होता है इंसान से। अगर तुम किसी इंसान से कोई बात शेयर कर लेते हो तो वो ज़रूर किसी न किसी और को शेयर कर देगा, लेकिन अगर पेपर पे आपने वो शेयर किया है तो वो तो किसी को नहीं कर सकता शेयर। आई थॉट ऑफ दिस थिंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। मैंने सोचा इस तरह ये कह करके उन दिनों जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, निराश हो गई थी और मैं अपने दोनों हाथों से गालों को लेकर के बैठी रहती थी, दाढ़ी में हाथ रख कर के ऐसे बैठी रहती थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, एकदम बोर्ड और बिना काम के और उत्साहहीन बैठी रहती थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोचती रहती थी कि अंदर ठहरूँ या बाहर चले जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंततः मैं ठहर गई वहीं पे जहाँ पे मैं थी, ब्रूडिंग, वो भी विचार मग्न उसी में बैठ गई। यस पेपर डज हैव मोर पैशंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी। सच में पेपर के पास ज़्यादा सब्र होता है, और चूँकि मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही थी कि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि मैं ये नहीं प्लान कर रही थी किसी को दूँ मैं इसको पढ़ने के लिए, इस जो है ना प्लास्टिक कोटेड जो स्टिफ कोटेड जो नोटबुक है जिसको लोग डायरी कहते हैं उसको मैं किसी को पढ़ने देने की प्लानिंग में नहीं थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इससे पहले कि मैं कोई सच्चा दोस्त पा लेती। इफ प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, अगर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो, मेरा कोई अगर मित्र होता तो। इसके कहने का मतलब ये था कि मैंने डायरी इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास अपनी बातों को शेयर करने के लिए कोई नहीं था, अगर कोई दूसरा होता तो मैं उससे शेयर कर ली होती तो डायरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं वापस आती हूँ फट से
कि मैं डायरी सबसे पहली बात क्यों रखी, वो इसलिए कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने डायरी रखा। डायरी लिख पे लिखना पसंद किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मुझे इससे बहुत अच्छी तरह से ये साफ साफ रख देने दो कि चूंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की है, कोई भी दोस्त नहीं था, अकेली थी वो दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं थी, ऐसी बात भी नहीं थी कि हाँ मैं अकेली थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता थे, 16 साल की एक बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और फिर 13 और लोग थे जिसको मैं कह सकती थी कि वो दोस्त थे मेरे। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली थी, लविंग आंट एंड अ गुड होम, प्यार करने वाली चाची और एक अच्छा घर। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, और अगर ग्राउंड पे आके बात करें तो मेरे पास सब कुछ लगता था कि है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि सिर्फ एक मेरा सच्चा दोस्त छोड़ करके। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और मैं यही सोचती रहती थी कि अगर मेरे पास दोस्त हो तो मुझे मेरा अच्छा टाइम होता। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग एवरी डे थिंग्स। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ला पाई थी बात करने के लिए किसी के सामने भी, जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं डे टू डे की, उसको मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र, और मैं लगता भी नहीं था किसी के से मैं ज़्यादा करीब हो पाती हूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम था कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो पाती थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड टू ईच अदर, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि मैं किसी से भी अपना भेद शेयर नहीं कर पाती थी। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब किसी भी तरह से यही बात थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लेबल टू चेंज, और बदकिस्मती से वो बदला भी नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। तो ये पूरे पैसेज का ये सारांश यह है कि एने फ्रैंक के पास कोई करीबी उसका दोस्त नहीं था, कोई उसके हम उम्र कोई दोस्त नहीं था उसका जिससे वो अपनी बातें शेयर करती, इसलिए उसने प्लान किया कि वो डायरी में अपनी बातों को शेयर कर ले, उसी पे अपने दिल की भड़ास निकाल दे, और इस तरह से वो डायरी लिखना शुरू करती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे कि और क्या क्या उसके साथ जीवन में घटनाएँ होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।